दोस्तों, दुनिया में जो प्यार एक माँ अपने बच्चे से करती है वो कोई और कभी नहीं कर सकता है। और माँ अपने बच्चे को जन्म देने के लिए जिस दर्द से गुजरती है उसका तो हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। वैसे ये माँ का प्यार और उसकी ममता ही होती है कि इतना दर्द सहने के बाद भी जब वो अपने बच्चे को देखती है तो अपना सारा दर्द भूलकर मुस्कुरा उठती है। और ऐसा सिर्फ हम इंसानों ही नहीं बल्कि जानवरों में भी देखने को मिलता है। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको जानवरों की दुनिया के कुछ ऐसे अनोखे चाइल्ड बर्थ्स के बारे में बताएंगे जिन्हें देखना तो दूर, आपने उनके बारे में कभी सुना तक नहीं होगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देर के इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। कीवी बर्ड। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हुए सबसे पहले हम आपको कीवी पक्षी के द्वारा उसके बच्चों को जन्म देने के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पक्षी है जो अपने बच्चों को जन्म देने के लिए हद से ज्यादा दर्द बर्दाश्त करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कीवी एक छोटे आकार का पक्षी होता है और मादा कीवी के लिए उसकी प्रेगनेंसी का दौर जिंदगी का सबसे कठिन समय होता है। असल में कीवी अपने आकार के हिसाब से बहुत बड़े बच्चे को जन्म देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मादा कीवी का अंडा उसके शरीर के वजन का लगभग 25% होता है, जो वाकई में बहुत ज्यादा है। इस पक्षी के अंडे का वजन 450 ग्राम के आसपास होता है और अंडे के इस बड़े आकार की वजह से ही कीवी को असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता है। अगर हम मादा कीवी के दर्द की तुलना इंसानों से करें तो कीवी के जितना दर्द सहने के लिए एक औरत को 12 से 14 साल तक के बच्चे को जन्म देना होगा। और इसका अंदाजा तो आप खुद भी लगा सकते हैं कि इतने बड़े बच्चे को जन्म देने में एक औरत को कितने दर्द का सामना करना पड़ेगा। उतना ही दर्द मादा कीवी अंडा देते समय बर्दाश्त करती है, जो एक बेहद आश्चर्य की बात है। प्रेगनेंसी के दौरान मादा कीवी को अपने शरीर की औसत कैलोरी से लगभग 3 गुना ज्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ती है ताकि उसके पेट में मौजूद अंडे का सही प्रकार से विकास हो सके। इसलिए प्रेगनेंसी में मादा कीवी को बहुत ज्यादा खाना पड़ता है। मादा कीवी अंडा देने से पहले 2 दिन तक कुछ नहीं खाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंत में उसके शरीर का वजन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो खाना तो दूर हिल भी नहीं पाती है। और अंडा का आकार बड़ा होने के कारण उसके शरीर में खाने के लिए जगह भी नहीं बचती है। अपना अंडा देने के लिए वो कई दिन भूखे रहकर अपनी जान को दांव पर लगा देती है। सच में ये बलिदान सिर्फ एक माँ ही अपने बच्चों के लिए कर सकती है। शिंगबैक लिजर्ड बर्थ। दोस्तों, शिंगल बैक लिजर्ड नाम के इस छिपकली को टेलिका रुगोसा के नाम से भी जाना जाता है और छिपकली की ये प्रजाति मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। शिंग बैक लिजर्ड का अपने बच्चों को जन्म देना बड़ा ही कठिन माना जाता है, क्योंकि ये छिपकली एक बार में 2 बच्चों को जन्म देती है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें भला कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि जीव जंतु तो अक्सर ही 1 से अधिक बच्चों को जन्म देते हैं। असल में शिंगल बैक लिजर्ड का ये मामला इसलिए गंभीर माना जाता है क्योंकि इसके दोनों बच्चों का वजन अपनी माँ के वजन का लगभग 1/3 हिस्सा होता है। अब इसकी तुलना अगर हम इंसानों से की जाए तो ये एक महिला के द्वारा 15 से 20 किलो तक के वजन वाले बच्चे को जन्म देने के बराबर होता है। अब इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं कि इतने बड़े बच्चे को जन्म देना कितना ज्यादा दर्दनाक होता होगा। ऐसा ही दर्द ये शिंगल बैक लिजर्ड बर्दाश्त करती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि शिंगल बैक लिजर्ड का प्रेगनेंसी का समय दुनिया में सबसे ज्यादा दर्दनाक और परेशानियों से भरा हुआ होता है, क्योंकि जब शिंगल बैक लिजर्ड के बच्चे उसके गर्भ में अपना पूरा आकार ले लेते हैं तो उनकी वजह से इस छिपकली के फेफड़ों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ जाता है। इस दौरान इसके लिए चलना फिरना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और ऐसी स्थिति में ये दूसरे जानवरों का शिकार बड़ी ही आसानी से बन जाती है। इसलिए इस छिपकली के बारे में ये कहा जाता है कि शिंगल बैक लिजर्ड का अपने बच्चों को जन्म देना उसके खुद के लिए एक दूसरा जन्म लेने के समान होता है। बाकी दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।